और देखिए सारे सेक्टर्स लाल निशान में बंद हुए थे. ये एक सेक्टर है आईटी सेक्टर जिसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था. लेकिन अविनाश, एरोस इंटरनेशनल पर आपसे राय लेना चाहूँगा, एरोस इंटरनेशनल पर माफ़ कीजिएगा. हमने देखा है कि यहाँ पर शेयरधारकों ने जो कंपनी ने योजना बनाई थी टीवी क्षेत्र में उतरने की, उसको स्टॉल कर दिया है. उन्होंने कहा है कि कंपनी को दरअसल अपने कारोबार में फिल्म प्रोडक्शन पर ही ध्यान देना चाहिए और डिजिटल स्ट्रीमिंग ऑनलाइन पर अब कंपनी फोकस करेगी. इसके अलावा रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि दरअसल कंपनी भारत की इस यूनिट को डीलिस्ट कराने पर विचार कर रही है. एरोस इंटरनेशनल, कैसा लगता है ये शेयर आपको? नहीं, इनफैक्ट ये डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है कि इन्होंने टीवी पे अपना जो प्लान था वो शेल्फ किया है. आई थिंक ये अच्छी बात है क्योंकि क्योंकि इनकी जो कोर कॉम्पिटेंस है वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में है और मूवी डिस्ट्रीब्यूशन में है. मुझे लग रहा है कि अगर इंडियन कंपनी को डीलिस्ट किया जाता है तो आई थिंक व्हाट प्राइस पे होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इनके पास काफ़ी बड़ी मूवी लाइब्रेरी है और काफ़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है. क्लियरली आई थिंक अगर हम पूरा बिजनेस मॉडल इनका देखें तो काफ़ी डी रिस्क मॉडल है और इनके पास जिस प्रकार के ट्रैक रिकॉर्ड्स है अपनी मूवी हिट्स के, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इंडियन शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात रहेगी कि अगर डीलिस्टिंग अच्छे प्रीमियम पे हो. बट ओवरऑल आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं क्योंकि मूवी डिस्ट्रीब्यूशन में और मूवी के मार्केट में इनका काफ़ी बड़ा होल्ड है. ओके, तो फिलहाल प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे, लेकिन देखना होगा आज.